दोस्तों ये 2 टन का एसी है और इसका कंप्लेन है कि एसी चल नहीं रहा है। जब मैं इसके थर्मोस्टेट के पास गया, ये डक्टेबल एसी है, जब मैं इसके थर्मोस्टेट के पास गया तो उसमें पावर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका आइसोलेटर है वो अभी ऑन मूड में है, ठीक है। तो इंडोर में पावर नहीं जा रहा है कि क्या रीज़न है, आइए इसको कवर को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ जल गया है, कुछ ख़राब हो गया, आखिर क्यों नहीं पावर जा रहा है इंडोर में। दोस्तों कवर तो ओपन हो गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है, कैपेसिटर है, कॉन्टैक्टर भी लगा हुआ है और यहाँ इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है एकदम न्यू है। यहाँ पे ड्रायर फिल्टर आप देख पा रहे हैं, ड्रायर फिल्टर भी चेंज हुआ है, यानी 2 टन का कंप्रेसर भी नया लगा हुआ है। आखिर इसमें पावर इंडोर में नहीं जा रहा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना क्या है, ये फेस है और ये न्यूट्रल है, ये दोनों पावर चेक करना है। और उसके बाद से ये जो वायर आप देख रहे हैं, एक रेड वाला, ये ब्लैक और येलो, ये कम्युनिकेशन वायर है जो इंडोर से वायर आ रहा, तो हम इसमें फेस न्यूट्रल चेक करेंगे। अगर फेस न्यूट्रल आ रहा होगा तो फिर हम इसका फेस न्यूट्रल चेक करेंगे, ये दोनों वायर का फेस न्यूट्रल चेक करेंगे। अगर इसमें अगर पावर आ रहा है तो फिर इंडोर का जो पीसीबी है वो फ्यूज का प्रॉब्लम हो सकता है, पीसीबी ख़राब हो सकता है, उड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले इसका पावर चेक करते हैं, उसके बाद से ये वाला पावर चेक करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आउटडोर में पावर ही ना आता हो, तो बहुत सारा रीज़न हो सकते हैं। तो आइए पहले पावर चेक करते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि किस में प्रॉब्लम है। दोस्तों ये फेस न्यूट्रल में चेक कर रहा हूँ, जो आइसोलेटर से आ रहा है आप देख पा रहे हैं 229 यानी 229 वोल्टेज शो कर रहा है, ये यानी मेन है, यानी एसी में हमारा फुल पावर जा रहा है। मतलब जितना ये आइसोलेटर है, आइसोलेटर से जो पावर आ रहा है तो हमारे एसी में 220 या 230 वोल्टेज जा रहा है। अब ये इन जा रहा है, अब आउट देख रहे हैं कि हमारा आउट इंडोर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अभी ये चेक करते हैं। थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वोल्टेज भी चेक करना है, तो आइए दूसरा इसका कम्युनिकेशन वायर का वोल्टेज चेक करते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन वायर का मैं जब वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो इंडोर में पावर नहीं जा रहा है, आप देख पा रहे हैं 0.0 लास्ट में 2 वोल्ट बना रहा है, यानी जो एक कम्युनिकेशन वायर है ये इन तो आ रहा है लेकिन आउट नहीं जा रहा है, इंडोर में पावर बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। अब इंडोर में पावर क्यों नहीं जा रहा है ये चेक करने वाला चीज़ है, हो सकता है कि आउटडोर का फ्यूज उड़ गया हो, यहाँ पर एक फ्यूज भी लगा हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं ये फ्यूज लगा हुआ है, हो सकता है ये फ्यूज उड़ गया हो। और ये फ्यूज ऐसे ही नहीं उड़ता है, अगर फ्यूज उड़ा भी होगा तो फ्यूज ऐसे ही नहीं उड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से भी फ्यूज उड़ जाता है। कई बार क्या होता है कि इंडोर आउटडोर दोनों का फ्यूज उड़ जाता है, तो पहले हम आउटडोर को चेक कर लेते हैं। अगर आउटडोर का फ्यूज चेक करने के बाद इंडोर में पावर जा रहा होगा तो पक्का कुछ ना कुछ आउटडोर में प्रॉब्लम होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये जो मोटर है, अब ये मोटर देख रहे हैं अभी तो अच्छे घूम रहा है, ये मोटर अंदर से शॉर्ट हो जाता है, अंदर से उसका वाइंडिंग वीक हो जाएगा, चाहे वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूज इंडोर आउटडोर दोनों का उड़ जाता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पहले हम फ्यूज को ठीक करते हैं। अभी ये भी देखना है फ्यूज ख़राब है कि कुछ अलग प्रॉब्लम है, फ्यूज चेक कर लेते हैं। अगर फ्यूज उड़ा होगा तो फ्यूज लगाएंगे, उसके बाद से ये मोटर को भी चेक करना पड़ेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मोटर की वजह से तो फ्यूज नहीं उड़ा। और कई बार क्या होता है कि बारिश की बूंदें भी चली जाती है मशीन के अंदर तो फ्यूज उड़ जाते हैं। तो आइए चेक करते हैं, फिर मालूम चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। क्लैब मीटर को मैं कंटिन्यूटी में डाल दिया हूँ, आपको बीप का साउंड आएगा, ऐसे आपको कंटिन्यूटी में डाल के ऐसे बीप का साउंड चेक करना है। आप सुन पा रहे हैं साउंड आ रहा है और कुछ रेटिंग भी दिखा रहा है, 0.12 रेटिंग दिखा रहा है। अभी क्या करना है, ये जो फ्यूज़ तो मैं ओपन कर दिया हूँ, यहाँ पे एक लगाएंगे, यहाँ पे एक लगा दिया और दूसरा हम यहाँ पे टच करना चाहिए, यहाँ टच करने पर साउंड आना चाहिए। तो दोस्तों साउंड नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है, अगर यानी हमारे फ्यूज जल गया है। और फ्यूज जलने का ये मोटर रीजन हो सकता है। तो अभी मैं क्या किया हूँ, पावर तो ऑफ कर दिया हूँ। और मोटर फ्यूज लगाने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको फैन जो मोटर लगा हुआ है इसको डायरेक्टली हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, बिना अगर डायरेक्टली हम चेक कर लेंगे तो ये क्या होगा, फ्यूज मान लीजिए फ्यूज लगा दिया और फिर हम फैन मोटर का प्रॉब्लम है, तो जैसे फैन मोटर चालू होगा तो हमारा फ्यूज दोबारा उड़ जाएगा,
तो इससे पहले हम फ्यूज अभी नहीं लगाएंगे, पहले मोटर हम चेक कर लेते हैं। अगर मोटर में से कुछ धुआं निकल गया या कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो मोटर ख़राब है, फिर मोटर को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर मोटर चल गया तो कहीं ना कहीं हमारा ये बारिश की बूंदे या कुछ ऐसे ही हाई वोल्टेज की वजह से या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्यूज उड़ जाए। तो पहले हम मोटर को डायरेक्ट करते हैं, और मोटर को डायरेक्ट करने के लिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे ये ब्लैक वाला आयर है, ये फेस का है, यहाँ से फेस हम निकालेंगे। और एक कॉन्टैक्टर का ये फेस है, ये न्यूट्रल, तो हम फेस में इसको लगा देंगे, एक वायर को फेस में लगा देंगे क्योंकि इसको डायरेक्ट फेस मिल गया। अब ये कॉन्टैक्टर को ओपन करके यहाँ से पुश करके देखेंगे, अगर ये हमारा फैन मोटर सही रहेगा तो अच्छे से चलना चालू हो जाएगा। और ये वायर कॉन्टैक्टर का मैं ऊपर का कवर ओपन कर लिया हूँ क्योंकि ये इसी स्प्रिंग को हमको पुश करना है। पहले पावर में चालू कर दिया, अभी कॉन्टैक्टर को जैसे पुश करूँगा मोटर सही होगा तो चलना चालू हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा मोटर सही है, मोटर सही है, लेकिन कुछ साउंड आ रहा है मोटर से, ऐसा लगता है कि एक मिनट और चालू करके देखते हैं। ऐसा साउंड आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है मोटर का जो वाइंडिंग हो या तो बैरिंग हो, कुछ आवाज़ आ रहा है। चलिए वो तो बाद में देखते हैं, अभी फ्यूज को लगाते हैं, आइसोलेटर को बंद करते हैं, अभी फ्यूज को लगाते हैं और उसके बाद से डायरेक्टली सिस्टम से चालू करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों फ्यूज तो जोड़ दिया हूँ, फ्यूज जोड़ दिया और अब देख पा रहे हैं इसका ये कंडीशन है। अभी इसका मैं कम्युनिकेशन का जो पावर है वो चेक करूँगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायरेक्ट जो वायर लगा हुआ है, अगर आप डायरेक्ट भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस वायर को निकाल के आप ये रेड वाले के पास लगा देंगे तो ये थोड़ा सिस्टम बाई हो जाएगा, दो तीन मिनट के बाद कंप्रेसर और फैन दोनों एक साथ चलेगा। अब ऐसे भी कंप्रेसर और फैन एक साथ चलेगा क्योंकि तीन मिनट के बाद कमांड आएगा, तभी हमारा कंप्रेसर चालू होगा, उसी टाइम हमारा फ़ैन भी चालू होगा, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं, हम चाहे तो वहाँ भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पावर दोबारा चेक करेंगे, दोबारा पावर चेक करेंगे हमारा इंडोर में पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये कॉन्टैक्टर भी ख़राब है क्योंकि जैसे मैं पावर चालू किया कॉन्टैक्टर का साउंड आने लगा। आपको मैं एक बार कॉन्टैक्टर की साउंड सुनाता हूँ, ये पावर को मैं चालू करता हूँ, आप सुनिएगा कैसे साउंड आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कैसे साउंड आया है स्टार्टिंग में, उसके बाद से एसी चालू हुआ है। तो काम करते हैं, पहले इसको चेंज करना ही पड़ेगा कॉन्टैक्टर को, कॉन्टैक्टर को चेंज कर देते हैं क्योंकि इसमें साउंड है, कुछ हो सकता है कि बाद में जल के फिर से फ्यूज उड़ जाए या कुछ अलग प्रॉब्लम हो जाए, इससे अच्छा है कि ये कॉन्टैक्टर को चेंज कर ही देते हैं और उसके बाद से एसी को चालू करते हैं। कॉन्टैक्टर का भी वायरिंग कर दिया हूँ, नया कॉन्टैक्टर लगा दिया और दोस्तों इसको मैं एम्पियर पे डाल दिया हूँ ताकि हमारा कंप्रेसर चलेगा तो मालूम चलेगा कितने एम्पियर पे चालू हो रहा है। अभी आइए पावर को चालू करते हैं, तो पावर को चालू कर दिया, इसमें भी थोड़ा सा साउंड आया दोस्तों और उसके बाद से लगता है फिर दोबारा फ्यूज उड़ गया, लगता है फ्यूज हो गया, कहीं ना कहीं तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्योंकि वो जो हमारा पुराना कॉन्टैक्टर था उसमें भी कुछ साउंड आ रहा था, इसमें भी थोड़ा साउंड आया और तुरंत लगता है फ्यूज उड़ गया। अब आइए आगे का कवर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आगे का कवर खोल के चेक करने के बाद भी मुझे कुछ फॉल्ट नहीं मिला है। अभी मैं दोस्तों सीबी का वायर भी निकाल लिया हूं और देखते हैं, अभी आइसोलेटर ऑफ है, अभी तो आवाज़ नहीं आना चाहिए, एक बार चालू करके देखते हैं। ये आइसोलेटर है, मैं चालू करता हूँ एक मिनट पहले, हाँ चालू करते हैं, चालू कर दिया हूँ, साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सीबी का वायर निकला हुआ है तो साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और तो दोस्तों इसे ये साबित होता है कि जो हमारा इंडोर में पीसीबी कार्ड लगा हुआ है वो पीसीबी कार्ड का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हो क्या रहा है कि इसका जो कमांड होता है, कमांड जो दो से तीन मिनट के बाद जो पीसीबी कमांड छोड़ता है जब हमारा आउटडोर चलता है, पहली बात तो तुरंत हम आइसोलेटर को पावर को ऑन करते हैं तुरंत कमांड आ जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, दो से तीन मिनट के बाद ही कमांड आता है। और दूसरा रीज़न दोस्तों ये है, जो कमांड आ रहा है
वे डायरेक्ट हो गया है, यानी जैसे आइसोलेटर चालू करते हैं तुरंत आके आउटडोर हमारा चालू हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर क्या कर 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 की साउंड आते हैं, यानी कमांड आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, मतलब अस्थाई नहीं है। मतलब वो क्या है, जो कमांड कंटिन्यू एक बार आता है और वो आता ही रहता है, तो वो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब वो आके फिर जा रहा फिर आ रहा है, कटअप हो रहा आ रहा है, ये प्रक्रिया बार बार हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्टर है पुश हो रहा और फिर से होल्ड हो रहा है, ऑन होल्ड हो रहा है, ऐसे बार बार इस प्रक्रिया होने की वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्टर से साउंड आ रहा है, यानी हमारा जो पहले वाला भी कॉन्ट्रैक्टर था वो भी सही था, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्टर को मैं एक काम करता हूँ, लगा देता हूँ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर सही है। अभी ये सीपी का वायर है, सीपी का वायर लगा के और इनडोर का पीसीबी चेंज करते हैं। अभी सीपी का वायर लगा दिया हूँ और एक बार और पावर स्विच को यानी आइसोलेटर को चालू करके देखते हैं फिर साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पावर स्विच, ये देखिए एक बार स्विच टक दे साउंड आया और उसके बाद से साउंड चला गया, सुनाई भी दे रहा है, कभी कभी आ रहा है, यानी कभी साउंड आ रहा है कभी रुक रहा है। तो दोस्तों एक कमांड का ही प्रॉब्लम है, कमांड कभी कंटिन्यू आ रहा है कभी रुक जा रहा है, जैसे कंटिन्यू जब आना चालू करेगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर वो टक 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 की साउंड आ जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि पहले हम पीसीबी को चेंज करते हैं, उसके बाद चेंज करके देखते हैं, पहले पीसीबी को चेंज करते हैं उसके बाद से एसी को चालू करके देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर के जो कंटिन्यू साउंड आ रहा है वो या आ रहा है। वैसे तो चलना चाहिए, जैसे पीसीबी हम चेंज कर देंगे 100% पीसीबी का ही प्रॉब्लम है, जैसे पीसीबी हम चेंज करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आइए एक बार चेंज करके देख लेते हैं। यही पीसीबी है जिसको मैं चेंज करने वाला हूँ दोस्तों, इंडोर का डक्टेबल एसी का पीसीबी है, एलजी डक्टेबल एसी का पीसीबी है, इसको चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इंडोर में लगा हुआ पीसीबी है, इसको मैं निकाल रहा हूँ, पूरा वायर निकालने के बाद मैं नया पीसीबी लगाता हूँ। ये थोड़ा मुश्किल जगह पे पीसीबी लगा हुआ है, इसको मैं पहले निकाल लूँ उसके बाद से नया पीसीबी लगाता हूँ। दोस्तों पीसीबी लगाने के बाद मैंने कनेक्शन कर दिया है, अब देख पा रहे हैं यही पीसीबी है, इसका मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, अब बस इसको धीरे से फिट करना है। दोस्तों पीसीबी लगा के मैं आउटडोर के पास आ गया हूँ, क्लैमीटर और गेज चार्जिंग लाइन दोनों लगा लिया ताकि मैं आइसोलेटर को चालू करूँ तो पता चले साउंड आ रहा है और एसी चल भी रहा है तो कितने एम्पियर पे चल रहा है, तो ऐसे एम्पियर भी मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। पीसीबी को लगा के मैं आउटडोर के पास आया और पावर को चालू किया। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं अभी सिस्टम से चालू हो गया है, अभी हमारा एम्पियर भी सही जा रहा है और एसी भी चालू हो गया और बैक प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये पीसीबी का ही प्रॉब्लम था जिसके वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्टर में साउंड आ रहा था। दोस्तों एक और प्रॉब्लम हो सकता है, कैपेसिटर का भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ऐसे साउंड आता है, तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कैपेसिटर को भी ज़रूर चेंज करके देख ले और पीसीबी को भी चेंज करें, और कॉन्ट्रैक्टर का जो स्प्रिंग होता है वो अगर वो लूज हो जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कई रीज़न इसका है ये साउंड आने का, बहुत सारे रीज़न है साउंड आने का, कॉन्ट्रैक्टर से भी साउंड आ सकता है, कैपेसिटर से भी आ जाएगा और पीसीबी का जो कमांड छोड़ेगा देगा उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।